हेलो बच्चों, देसी एजुकेशन आपके लिए एक सीरीज लेके आए। इस सीरीज की खासियत क्या है बच्चों? इस सीरीज में हम आपके एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, जैसे आपके जो सब्जेक्ट है मैथ्स, साइंस और एसएससी, ये तीनों सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम में आपको काम आएंगे, और एग्जाम में ये आपके मार्क्स में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। इसलिए सीरीज को हम कहते हैं एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से क्वेश्चन चेंजर सीरीज। और इस सीरीज में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज हम हमारे साइंस के सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम सेकेंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। तो चलते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहले क्वेश्चन बच्चों आपको बोला है कि मिक्सचर क्या है, डिफाइन मिक्सचर एंड स्टेट इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन देम। ठीक है, यानी हमको बताना है कि मिक्सचर क्या है, उसके टाइप्स क्या है और उन टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पे मिक्सचर के हमको क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिलाकर अगर आप कुछ बनाओगे तो बनेगा आपका मिक्सचर। ठीक है, यानी प्योर फॉर्म को अगर आप मिला रहे हो एक से ज्यादा तो आपको क्या मिलने वाला है, आपका मिक्सचर। ये आपकी एक सिंपल से डेफिनेशन होगी। फिर आपको क्या पूछा है, इसके टाइप्स। तो टाइप्स में बच्चों मेजरली दो टाइप्स हैं, पहला आपको दिया होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा दिया हेटरोजेनियस मिक्सचर। तो इन दोनों मिक्सचर को आप कैसे याद रखोगे, होमोजेनियस मिक्सचर बच्चों आप देखो तो होमोजेनियस और हेटरोजेनियस में यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली रो में अगर आप देखोगे तो तीन रेड कलर के बॉल्स दिख रहे होंगे आपको, या तीन रेड कलर के पार्टिकल्स होंगे। उसके अलावा यहाँ पर तीन आपके पास ब्लू कलर के भी पार्टिकल्स, वैसे ही सारी रो में आपके पास तीन रेड पार्टिकल्स और तीन ब्लू पार्टिकल्स होंगे। यानी जितनी भी रोज आप देख रहे हो हर रो में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म है। ये चीज आप यहाँ पे देखोगे, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। उसी तरीके से अगर आप हेटरोजेनस मिक्सचर को देखो तो यहाँ पर आपको जो अलग अलग रोज दिख रही है, इन रोज में रेड कलर के किसी में पार्टिकल ज्यादा है, किसी में ब्लू कलर के पार्टिकल ज्यादा है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर इनका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इस बेसिस पे आप क्या बता सकते हो कि होमोजेनियस और हेटरोजेनियस में मेजर डिफरेंस क्या है, कि होमोजेनियस जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं और हेटरोजेनियस कैसे होते हैं, आपके नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पे अगर हम होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर का बच्चों यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, होमोजेनियस में आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अ मिक्सचर दैट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सच मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। इसको आप समझो, सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, पानी ले लो और पानी में डाल दो शक्कर, उसको घोल दो। तो यहाँ पर जो शक्कर वो पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो गई है। अगर शक्कर पूरी तरह से पानी में डिजोल्व हो गई है इसका मतलब क्या होगा, कॉम्पोजिशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसको आप उसमें से अलग नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा थ्रू आउट, यानी कि अगर आप उस शक्कर वाले पानी का यानी शरबत का टॉप वाला पार्ट ले लो या बॉटम वाला पार्ट, सारे पार्ट में शक्कर का जो पार्ट पोर्शन है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे सेकंड पॉइंट, वहां पे आपको क्या बोला हुआ है कि द पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर आर स्मॉलर देन वन नैनोमीटर, यानी जो पार्टिकल्स होंगे वो एक नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटे होंगे। एक नैनोमीटर क्या होता है, यानी कि अगर आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10^-9 मीटर्स। ठीक है, और क्या बोला है, सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज, यानी इन पार्टिकल्स को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप पानी में शक्कर को डालते हो तो उस टाइम पे आप शक्कर के पार्टिकल्स को देख सकते हो, बट जैसे शक्कर उसमें घुल जाती है फिर वो पार्टिकल्स वहां से गायब हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो पार्टिकल्स रियल में गायब हो गए, वो पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया जिसकी वजह से हम उनको खुली आंखों से नहीं देख पाते। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो वहां क्या दिखा हुआ है आपको, बिकॉज ऑफ माइन्यूट पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। यानी यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इनके माइन्यूट साइज की वजह से, बहुत छोटे साइज की वजह से अगर इसके ऊपर से आप लेजर लाइट को पास करोगे तो उसका पाथ विजिबल नहीं होगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। स्कैटरिंग क्या होता है, अगर एक छोटा सा आपको रिव्यू दे दूँ उसका मैं, तो आपने कभी देखा होगा अगर आपका रूम पूरी तरह से बंद है और वहाँ अंधेरा है तो किसी भी एक छोटे से छेद में से अगर लाइट आ रही है तो उस लाइट में आपको डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं, और उन डस्ट के पार्टिकल की वजह से लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, जिससे आप क्या कह सकते हो कि पाथ अगर विजिबल हो गया है यानी कि वहां पे लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। लेकिन क्या शरबत के अंदर लाइट स्कैटर होगी, तो वहां ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर जो सॉल्ट के या शुगर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, अगर किसी चीज को आप छान रहे हो, जैसे अगर आपको बोलूँ कि आपने चाय बनाई तो चाय को जब आप छानते हो तो चाय पत्ती और चाय अलग हो जाते हैं, राइट, वो क्या हो गया, एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। लेकिन क्या शरबत बनाने का, शरबत को छानोगे छन्नी से तो शक्कर और पानी अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर को आप फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग या सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब।
यानी कि अगर इसको आप समझो तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ग्लास में आपने क्या किया, रेती डाल दी और उसको मिला दिया, तो कुछ टाइम के बाद अगर उसको आप छोड़ दोगे तो रेती के सारे पार्टिकल्स ग्लास के नीचे बैठ जाएंगे, बॉटल में बैठ जाएंगे, यानी वो सेटल डाउन हो जाएंगे। बट क्या ऐसा सॉल्ट के साथ या शुगर के साथ होगा? नहीं। एक बार आपने उसको घोल दिया, वो पूरी तरह से घुल गई, फिर उस ग्लास को आप कितने भी टाइम के लिए छोड़ दो, उसके पार्टिकल्स सॉल्ट के या शुगर के पार्टिकल्स नीचे नहीं सेटल डाउन होंगे। यानी कि होमोजेनस मिक्सचर के पार्टिकल्स एक बार अगर मिल गए तो वो सेटल डाउन नहीं होते, ये हमको याद रखना है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको दिए कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर या फिर शुगर डिसॉल्व इन वाटर, इसका एक एग्जांपल होगा। सेकंड जो हमारा टाइप है वो क्या है, हेट्रोजीनियस। उसको तो मैंने पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, कि हम शुगर को पानी में मिलाएंगे तो हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में तो क्या लिया हुआ है, देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या बोला, मिक्सचर दैट कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। अब इस चीज को आप समझो, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट का बच्चों मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो आपको फिजिकली यानी रियल में आप देख पा रहे हो कि दो चीजें अलग अलग है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने पानी लिया और पानी में आप ऑयल डाल दो, तो जो ऑयल होगा उसको आप कितना भी मिलाने का ट्राई करो मिलेगा नहीं, वो बाद में पानी के ऊपर एक लेयर बना के जमा हो जाएगा। ऐसे में आपका ऑयल और वाटर आपको अलग अलग दिख रहा है, यानी कि ये दोनों पार्ट्स कैसे हैं, फिजिकली डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग अलग है। अगर ऐसा दिख रहा है तो यानी ये मिक्सचर कैसा है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये आपको याद रहेगा कि जहां पर भी आपको दो अलग अलग पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सेपरेट दिख रहे हैं किसी भी मिक्सचर में, तो आप उन मिक्सचर को क्या बोल सकते हो, हेट्रोजीनियस। जैसे आपने रेती भी डाली पानी में, आप घोल दो और छोड़ दो तो आपको दिखेगा रेती के सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए, पानी ऊपर आ गया, यानी वहां पर भी दोनों पार्ट्स क्या दिख रहे हैं आपको, अलग अलग दिख रहे हैं, फिजिकली डिस्टिंक्ट अलग अलग दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी सॉल्यूशन फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है और जिसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड पॉइंट आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द नेकेड आईज कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम खुली आंखों से हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऑयल को और वाटर को आप अलग अलग देख सकते हो, आप सैंड के पार्टिकल्स को पानी के मिक्सचर में अलग से देख सकते हो। तीसरा पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो लाइट के क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने पानी में जब रेती को घोला, तो जब वो उसके पार्टिकल्स के अंदर घूम रहे होंगे, उस टाइम पर अगर आप लेजर लाइट को पास करोगे तो वो लाइट जब रेती के पार्टिकल से टकराएगी तो लाइट स्कैटर होगी, यानी उनको लाइट का पास जो है वो विजिबल वहाँ पे हो जाएगा। इससे हम क्या पता कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपको याद रखने में कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो होमोजीनियस के अंदर में कभी भी अगर आप लेजर लाइट को मारोगे तो वो पाथ को विजिबल नहीं बनाएगा, यानी वहां पे लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, और हेट्रोजीनियस में हमेशा लाइट का पाथ विजिबल होगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वहां क्या लिखा है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर थ्रू प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और हेट्रोजीनियस के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला पानी में आपने रेती घोल दी, उसके बाद उसको अलग करना है तो आप छन्नी से छान दो, यानी आपने जैसे छन्नी को लगाया, छन्नी वहां पे एज अ फिल्टर काम कर रही है, तो आपने उसको छाना तो छन्नी की मदद से आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स यानी पानी अलग अलग हो गया, यानी यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल में आपको वही चीजें लिखनी है, जैसे मैंने आपको बताया सॉल्ट और शुगर को मिला दो, ऑयल और वाटर को मिला दो, वाटर में या फिर आप क्या मिला दो, वाटर प्लस सैंड कर दो, या फिर आप एक और दिया आपको मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फाइन। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक भारी वर्ड यूज किया है, सिंपल सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या, हम इसकी बात कर रहे हैं सॉल्ट की बात कर रहे हैं, यानी सॉल्ट में आपको आयरन के कुछ क्या डाल देने, पाउडर डाल देने, लोहे का पाउडर होगा, बहुत पतला सा पाउडर होगा, उसको डाल देना। अब ऐसे तो आपको लगेगा उसको अलग नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो। अगर आपके पास मैग्नेट है, आप मैग्नेट को उस पाउडर के ऊपर घुमाओ, सारा का सारा मैग्नेट क्या करेगा, उस आयरन फाइलिंग को अट्रैक्ट कर लेगा और सॉल्ट को वहीं छोड़ देगा, जिससे आप इन दोनों को अलग कर सकते हो। यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, जो आपको 4 से 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आपको बोला व्हाट इज अलॉय, ठीक है, एंड गिव थ्री एग्जांपल ऑफ अलॉय। अलॉय क्या है और इसके 3 एग्जांपल आपको देने, ठीक है। तो अलॉय के लिए बच्चों देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। अलॉय क्या है, एक मिक्सचर है जहाँ पे हम दो या उससे ज्यादा मेटल्स को मिला रहे हैं, या फिर एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल को मिला रहे हैं, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम उनको अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूं कि अलॉय है और उसको मैं बीच से तोड़ दूं, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर दो मेटल से बने तो मेटल वन इधर हो जाएगा, मेटल टू इधर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। उसको जब मैं तोड़ूंगा तो ये जो पार्ट है इसमें भी दोनों मेटल्स है और ये जो पार्ट है इसमें भी दोनों मेटल्स है। इसका मतलब अलॉय को फिजिकल मेथड से तो अलग नहीं कर सकते। अलॉय बनता कैसे, तो अलॉय के लिए बच्चों जो हमारा प्राइमरी मेटल होता है, जो हमारा मेन मेटल होता है, उसको हम लेते हैं और उसको मेल्ट डाउन करते हैं और उसकी एक मोल्टन फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके हम क्या क्रिएट करते हैं,
मोल्टेन फॉर्म, मोल्टेन फॉर्म का मतलब उसको पिघला देते हैं, ठीक है। किसी भी प्राइमरी मेटल को जो हमको यूज करना है, जैसे हमने बोला हमको ब्रॉन्ज बनाना है, तो ब्रॉन्ज का प्राइमरी मेटल होगा कॉपर। कॉपर उसमें 70 से 80% होता है, तो हम कॉपर को लेके मेल्ट करेंगे, बाद में उसके अंदर टीन या जिंक जो भी हमको बनाना है, ब्रॉन्ज बनाना, ब्रास बनाना, उसके अकॉर्डिंग जो भी अलॉय दूसरा है वो डालना है, ठीक है, दूसरा मेटल डालना है। फिर उनका मिक्सचर बनाएंगे, उस मिक्सचर को फिर ठंडा करेंगे। जब ये मिक्सचर ठंडा होगा तो क्या फॉर्म करेगा, एक अलॉय फॉर्म करेगा। एक सबसे कॉमन अलॉय जो हम लोग हमारे घरों में यूज करते हैं वो है स्टील। जो स्टील के अलॉय है बच्चों, इसको बनाने के लिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखिए, जैसे ब्रास जो है ये बनती है कॉपर और जिंक से, ब्रॉन्ज आपका बनता है कॉपर और टीन से। इसमें कॉपर जो है आपका प्राइमरी मेटल है, ठीक है, और जिंक और टीन ये सब आपके सेकेंडरी मेटल्स हैं, ठीक है। स्टील जो है ये एक अलॉय है, ये आपको पता है, ठीक है। और स्टील जो है ये मेनली बनती है आयरन से, यानी आयरन इसका क्या है, प्राइमरी मेटल। इसके अलावा इसमें आप क्रोमियम मिलाते हो और निकल मिलाते हो। क्रोमियम और निकल मिलाने से क्या चेंज आता है, आपने देखा होगा आयरन में रस्टिंग होती है, बट स्टील में रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगती। क्रोमियम और निकल उस चीज को रस्टिंग से प्रिवेंट करते हैं, और जब वो स्टील बन जाता है तो इनका मेन काम क्या है, उसको रस्ट से प्रिवेंट करना। इसके अलावा इसमें बच्चों कभी कभी 0.05 ग्राम जितना, इतने अमाउंट में 0.05% कार्बन भी मिलाया जाता है। अब कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो मैंने आपको बताया अलॉय में मेटल्स के साथ साथ आप नॉन मेटल भी मिला सकते हो। तो यहाँ पे आप कार्बन मिलाते हो, जो क्या करता है, यहाँ पर इसकी हार्डनेस को बढ़ाता है, यानी किसी भी अलॉय की या ज्यादातर स्टील के अलॉय की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये आपको अलॉय क्लियर हो गया कि हमने अलॉय की डेफिनेशन दे दी और उसके तीन एग्जाम्पल दे दिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ अलॉयज हैं, जिसे आपको ब्रॉन्ज दिया हुआ है, ब्रॉन्ज में प्राइमरी मेटल कौन सा आपका कॉपर, साथ में टीन है। 18K का गोल्ड है, 18 कैरेट का, जैसे आपको पता होगा कि जो गोल्ड है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट ऐसे में आते हैं। तो कैरेट का मतलब क्या होता है, कैरेट का मतलब होता है कि इसमें कितना परसेंट गोल्ड और बाकी चीजें कितनी है। जैसे 24 कैरेट बोला मतलब इसमें सिर्फ गोल्ड है, दूसरा कोई भी मेटल नहीं है। 22 कैरेट के गोल्ड में गोल्ड के साथ साथ सिल्वर को भी मिलाया जाता है। वैसे अगर आप और नीचे जाओ, इसे यहाँ पे 18 कैरेट का गोल्ड दिया, तो यहाँ पे सिल्वर के साथ साथ कॉपर को भी मिलाया जाता है उसमें, तो इसकी भी एक अलॉय बन जाती है कि यहाँ पे गोल्ड जो है वो आपका 75% होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में जो आपका कॉपर है वो 12.5% और सिल्वर भी 12.5% होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे ब्रास की, तो ब्रास में आप देखो प्राइमरी मेटल कौन है आपका, कॉपर, और सेकेंडरी मेटल कौन है आपका, जिंक। तो कॉपर में आप क्या मिलाओगे, जिंक मिलाओगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन की अगर बच्चे बात करें, तो कास्ट आयरन में देखो आप आयरन के साथ साथ कुछ अमाउंट में क्या मिलाया जा रहा है, कार्बन। तो कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन आपके रेगुलर आयरन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हार्ड होता है या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया किसने, इसमें हमने क्या मिला दिया, कार्बन मिला दिया, तो कार्बन इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिया स्टर्लिंग सिल्वर, जिसमें सिल्वर के साथ साथ क्या मिला जाता है, कॉपर मिला जाता है। तो ये कुछ आपके और एग्जाम्पल्स हैं अलॉयज के, ठीक है। चलते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, किसी भी सॉल्यूशन में तीन बेसिक चीजें होती हैं, वही आपको आपको बोली हुई है कि आपको बताना है कि डिफाइन करना है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तीन चीजों को, ठीक है, कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये तीन चीजें होती क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम में क्या दिख रहा है, सॉल्वेंट दिख रहा है, उसमें आप क्या मिलाओगे, सॉल्यूट, और बनेगा क्या, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्वेंट की। तो क्या लिखा है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कॉम्पोनेंट्स इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, यानी वो चीज़, वो कॉम्पोनेंट जो बाकी सारी चीज़ों को अपने अंदर मिला लेता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए आप पानी के अंदर नमक डालोगे, शक्कर डालोगे, नींबू का रस डालोगे, या जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें आप किस में डालो, पानी के अंदर डाल रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी क्या है आपका, सॉल्वेंट है। ये सारी चीज़ें पानी में मिलाई जाएंगी, यानी कोई भी चीज़ जिसके अंदर सब कुछ डालो और वो मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो बाकी चीज़ों को अपने अंदर मिला लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या है आपके पास, सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए क्या लिखा है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए आप पानी में शक्कर डालोगे, तो शक्कर आपका क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि शक्कर पानी में जाके डिसॉल्व होगी, जो चीज खुद उसमें जाके डिसॉल्व होगी उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। और लास्ट में आपको क्या मिलता है, इन दोनों के मिक्सचर से सॉल्यूशन मिलता है। तो क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस का एक होमोजेनियस मिक्सचर अगर बन रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे अगर आपने पानी में शक्कर को मिलाया, तो जो शरबत बन रहा है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है पानी और शक्कर का, जिसमें आप कह सकते हो कि शक्कर के पार्टिकल्स पूरे पानी में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर हो गई तीनों डेफिनेशन। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, राइट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आप बनाते हो इसकी चार प्रॉपर्टीज बतानी है हमें, कि सॉल्यूशन को हम कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूशन है।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों क्या दी हुई है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक होमोजेनियस टाइप के मिक्सचर होते हैं। ये आपको याद रखना कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सॉल्यूशंस एक होमोजेनियस मिक्सचर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या दी है, आर सॉल्यूशंस पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, इनके पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हम खुली आंखों से नहीं दिखते। वही आपको लिखना, सो द नेकेड आई कैन नॉट सी देन। नेक्स्ट आपको बोला है, बिकॉज ऑफ माइनर पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, यानी एक बार हमको कैरेक्टर मिल गया इसका कि इनके माइनर पार्टिकल साइज की वजह से, छोटे पार्टिकल साइज की वजह से ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी नहीं करते, यानी लाइट के पाथ को विजिबल नहीं बनाते। नेक्स्ट आपको दिया है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई फिल्ट्रेशन, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इनको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट भी नहीं कर सकते किस मिक्सचर में, एक सॉल्यूशन को, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। लास्ट पॉइंट आपको दिया, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि जब पानी में शक्कर घोल के रख दो तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद शक्कर उसमें से अलग होकर वापस नीचे बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसमें अगर घुल गई है तो हमेशा के लिए घुल जाएगी, इसका मतलब ये पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है या कुछ कैरेक्टर्स है जिनसे पता कर सकते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको बोला है, डिफाइन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चार टाइप के सॉल्यूशन आपको डिफाइन करने को बोले हुए हैं। ठीक है, ये चार टाइप के सॉल्यूशन क्या है आपको बताना है। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बच्चों। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, आपके पास एक सॉल्वेंट है और इसमें जो सॉल्यूट हम मिला रहे हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में, क्या लिखा, अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, यानी एक मोटा मोटा आपको अंदाजा लग रहा है कि सॉल्वेंट में जब बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट मिलाते हो तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन इन विच द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज लो, यानी ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, लो होता है। ये आपको याद रखना है कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको आप कैसे याद रखोगे कि अगर मैंने आपको बोला कि आपको मैं एक गिलास पानी रख दूँ, ठीक है, अब उस पानी में मैं 1 पिंच यानी एक चुटकी भर नमक डाल दूँ तो आपको शायद नमक का टेस्ट नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि नमक का अमाउंट पानी में बहुत ज़्यादा कम है, राइट। तो वो जो सॉल्यूशन बना है वो कैसा बना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना है, उसमें जो नमक मैंने मिलाया बहुत छोटा, 1 पिंच सॉल्ट डाला है मैंने, बहुत कम सॉल्ट डाला हुआ है। वही नेक्स्ट अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या बोला है इस वाले सॉल्यूशन में कि आपके पास सॉल्वेंट तो बहुत है और उसमें जो सॉल्यूट मिला रहा है ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलने वाला है, क्या लिखा, लॉट ऑफ सॉल्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिला मैंने, यानी कि अगर आपको मैं वापस एक गिलास पानी लगी तुम और उस पानी में मैंने 10 चम्मच शक्कर नमक घोल दिया फिर उस पानी को क्या पी पाओगे, बहुत ज़्यादा खारा लगेगा आपको पानी, यानी उस पानी में नमक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। A concentrated solution contains a large amount of solute compared to the amount that could dissolve. जितना इसमें dissolve हो सकता है उससे भी ज़्यादा अगर इसके अंदर हम क्या डालते हैं, solute डालते हैं। जैसे हम बोलूँ कि एक ग्लास पानी में 4 चम्मच salt को घोला जा सकता है और मैं उसमें 8 चम्मच salt डाल दूँ तो क्या होगा, salt का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जितना वो डिसॉल्व कर सकता है, एक ग्लास पानी 4 चम्मच डिसॉल्व कर सकता था, मैंने 8 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड को समझने से पहले बच्चों पहले चलते हैं सैचुरेटेड की तरफ, क्योंकि सैचुरेटेड समझ में आ जाएगा तो अनसैचुरेटेड बहुत आसान समझ में आएगा। तो सैचुरेटेड में क्या बोला है आपको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको क्या बोला है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक रूम टेम्परेचर पे अगर मैं एक ग्लास शक्कर लेता हूँ, ठीक है, एक ग्लास पानी लेता हूँ और उसमें शक्कर घोलता हूँ, मैंने 1 चम्मच डाली फिर दूसरा चम्मच डाला, ऐसे घोलते जा रहा हूँ, फिर तीसरा चम्मच डाला फिर घोला, चौथा चम्मच डाला घोला, पांचवा चम्मच डाला घोला, छठा चम्मच डाला घोला, सातवां चम्मच डाला वो नहीं घोला, यानी इसकी लिमिट क्या थी, 6 चम्मच। अगर मैं एक और ग्लास में अब इसमें 6 चम्मच शक्कर डाल के घोल दूँ तो घुल जाएगी, 7वां चम्मच डालने पर नहीं घुलूँगा, यानी इस ग्लास की लिमिट क्या थी, इस एक ग्लास पानी में मैं 6 चम्मच शक्कर को इजीली घोल सकता हूँ, उसके बाद शक्कर इसमें नहीं मिलेगी, यानी इसकी एक लिमिट है, वो जो लिमिट है जहाँ तक इसमें अंदर कोई भी चीज़ हम घोल सकते हैं उसी को हम इसका क्या कहते हैं, सैचुरेशन लेवल। और इसी टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिन सॉल्यूशंस में आप जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था उतना ही डिसॉल्व करो, यानी एक ग्लास पानी में 6 चम्मच शक्कर डाल सकते थे, हमने 6 चम्मच ही शक्कर डाली तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी का उल्टा है हमारा अनसैचुरेटेड, कि अगर एक गिलास पानी में 6 चम्मच शक्कर डाली जा सकती थी बट मैंने 3 चम्मच 5 चम्मच 2 चम्मच या 1 चम्मच डाली है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को मैं क्या कहूँगा, अनसैचुरेटेड, क्योंकि वो सैचुरेशन लेवल से कम है। समझ में आ गया ये चीज़, कि जितना उसमें डिजॉल्व हो सकता है उससे अगर मैंने कम अमाउंट डाला है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, क्लियर रहेगा।
इफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट दैट इट कैन बी डिसॉल्व, जितना डिसॉल्व हो सकता है उससे कम है, तो उसे हम कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन बच्चों हमको बोला है राइट द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो देखो मिक्सचर में क्या दिया हुआ है आपको, मिक्सचर में आपको पहला पॉइंट दिया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स हो जाते हैं एक मिक्सचर बनाने के लिए और कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने सॉल्ट लिया और मैंने शुगर लिया, ये दो अलग अलग मेरे पास कंपाउंड्स हैं, इनको मैंने मिला दिए, तो क्या इनको मिलाने पे मिर्ची या ऐसा कुछ बन जाएगा? नहीं, वो जो चीज़ बनेगी वो सॉल्ट और शुगर दोनों की प्रॉपर्टी उसके अंदर है। जो उसको टेस्ट करोगे तो हल्का सा खारापन भी आएगा, हल्के से मिठास भी आएगी, क्योंकि उसमें सॉल्ट भी है शुगर भी है, दोनों चीज़ें हैं। बट वहीं कंपाउंड्स में क्या फ़र्क है, कंपाउंड में क्या लिखा है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है तो रिएक्ट करते हैं एक नया कंपाउंड बनाने में, और जो नया कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी इनसे अलग होती है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इनको जब मैं रिएक्ट करवाता हूँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना देती है वाटर। अब इससे सबसे फैसिनेटिंग चीज़ बच्चों ये है कि जो आपके हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों ही आग लगाने का काम करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है, और ऑक्सीजन हमेशा कभी भी आपको आग लगानी तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, हवा को या आग को बढ़ावा देने का काम ऑक्सीजन का होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल है, बट जब ये रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करते जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट है वाटर, जिसका काम है आग को बुझाना। यानी इसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि मिक्सचर में जब हम चीज़ों को मिलाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता, बट कंपाउंड के फॉर्म में जब हम चीज़ों को मिलाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में वो क्या लिखा है, अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशंस, जबकि इसमें क्या बोला है, द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस ऑलवेज फिक्स्ड। इसको आप कहते आते क्योंकि, तो देखो मिक्सचर के केस में क्या होता है कि अगर आपने, आपको मैंने ऐसा मान के चलो चार बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है, चारों बच्चों को मैंने बोला बच्चों सॉल्ट और शक्कर को मिला के लाना है आपको, ठीक है, तो ऐसा तो जरूरी थोड़ी कि मैंने अमाउंट तो बताया नहीं, मैंने बोला दोनों को मिक्स करके ले आओ। एक बच्चा गया, वो एक चम्मच शक्कर एक चम्मच नमक मिला के ले आया, दूसरा बच्चा गया उसने 10 चम्मच शक्कर ले लिया और 4 चम्मच नमक लिया, किसी तीसरे आदमी ने 5 चम्मच शक्कर और 3 चम्मच नमक लिया, कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने ऐसे बोला इन दोनों चीज़ को मिलाना है, कैसे मिलाना कितना मिलाना मैंने बताया नहीं। यानी मिक्सचर जब बनाओगे तो कौन सी चीज़ कितनी डालनी कम ज़्यादा वो मैटर नहीं करना, बस आपने मिला दिया मिक्सचर बन गया, उसके अमाउंट का कॉम्पोजिशन मैटर नहीं करता, बट जब कंपाउंड बनाओगे तो कॉम्पोजिशन मैटर करती है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे वाटर बनाना है, ठीक है, H2O बनाना है, तो ऐसे में मेरे पास जब हाइड्रोजन का एक कंपाउंड आएगा या एक मॉलिक्यूल आएगा उसके अगेंस्ट में ऑक्सीजन के कितना रेशियो चाहिए, 1:8। यानी 1 ग्राम अगर मैं हाइड्रोजन लूंगा, कितनी लूंगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा, तो उसके अगेंस्ट मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तब जाके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। अगर मैं उस 1 ग्राम के सामने 3 ग्राम या 4 ग्राम ऑक्सीजन ला के दूंगा तो मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म होगा। यानी यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन फिक्स है 1:8 का कॉम्पोजिशन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम, 8-8 बढ़ाते जाना आपको। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई साहब मैं आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन दे रहा हूँ और 4 ग्राम ऑक्सीजन दे रहा हूँ, 4 वाटर के मॉलिक्यूल दे दो, तो भाई साहब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन क्या है, फिक्स है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन लाओगे तो साथ में 8 ग्राम ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी, तब जाके वाटर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये कॉम्पोजिशन की बात है। नेक्स्ट क्या बोला है मिक्सचर के लिए, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मिक्सचर जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स उनकी प्रॉपर्टी दिखाता है। जैसे मैंने आपको बोला आप नमक और शक्कर को मिलाओगे, टेस्ट करोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ मीठा मीठा फील होगा, खारापन फील नहीं होगा, सिर्फ खारा खारा फील होगा, मीठापन फील नहीं होगा, होगा ना, थोड़ा सा खारा भी लगेगा, थोड़ा सा मीठा भी लगेगा, दोनों चीज़ फील हो रही है। अगर दोनों चीज़ फील हो रही है, इसका मतलब क्या है कि दो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनकी प्रॉपर्टीज अभी भी है वहाँ पे। बट जब मैंने पानी बनाने की बात की तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या है, मोहल्ले की आंटी, दोनों का काम क्या, आग लगाना। बट जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं, इनका काम क्या, आपको बुझाना। बस यही बात है कि वो दोनों की प्रॉपर्टी पहले अलग थी, आग लगाने की प्रॉपर्टी, बाद में प्रॉपर्टी चेंज हो गई, क्या हो गई, आग बुझाने की प्रॉपर्टी हो गई। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वही दिया हुआ है कि द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एकदम उल्टा हो गया ना, पहले आग लगा रहा था बाद बुझा रहे हैं, प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो गई। लास्ट पॉइंट क्या दिया है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाई फिजिकल मेथड। अब ये है कि जो मिक्सचर्स हैं इनको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो, नमक में आपने आयरन की फाइलिंग डाल दिया, आयरन का अलोहे का पाउडर डाल दिया, तो उसको मैग्नेट से आप अलग कर सकते हो मिक्सचर का।
बट क्या पानी को आप अलग कर सकते हो? पानी घर में जो ग्लास में पानी भर के रखा होगा उसमें से आप लोग हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो, क्यों नहीं होगी? उसको अलग करने के लिए आपको एक प्रॉपर रिएक्शन फॉर्म कर परफॉर्म करना पड़ेगा। वही यहाँ पे लिखा है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी एक पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम उनको अलग कर पाएंगे, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर पाएंगे, जिससे हम चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कहते हैं, जिसके थ्रू हम इनको अलग कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक रिएक्शन हमको करनी पड़ जाएगी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत इजीली इनको अलग कर सकते हैं। तो ये हम दोनों के मेजर क्या थे, डिफरेंस थे। अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों, अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला, देखो राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, की मेटल्स और नॉन मेटल्स को आप कैसे पहचानोगे, क्या प्रॉपर्टीज हैं इनके पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों मेटल्स की प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर बच्चों देखो तो क्या दिया हुआ है, दे हैव लस्टर, यानी कि क्या होती है इनके पास, क्या होती है, शाइन होती है। मेटल जो होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं ना। जैसे आपको एग्जांपल दो कि गोल्ड का, तो गोल्ड दूर से चमकता है, सिल्वर जो है दूर से चमकता है, जो मेटल्स होते हैं दूर से चमकते हुए दिखते हैं आप, उन पर लाइट पड़ेगी, शाइन करते हैं वो, यानी इनके पास एक प्रॉपर्टी है लस्टर की, ये शाइन करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, गोल्ड और सिल्वर की ही बात करेंगे। जैसे सिल्वर ग्रे कलर का होता है, गोल्ड येलो कलर का होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दूसरी प्रॉपर्टी की, जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। आपके घर में जो भी वायर्स हैं वो मेटल्स से बने हुए हैं, आपके जो घर में बर्तन है वो मेटल्स से बने हुए हैं, क्यों? क्योंकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको लिखा है दे आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, इतने लचीले होते हैं, डक्टाइल होते हैं कि इनको आप क्या कर सकते हो, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जब इनको खींचोगे तो ये टूटेंगे नहीं, ये स्ट्रेच होंगे ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल है। इनको जब खींचोगे तो ये मेटल के वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो हम यहाँ पे हमारे घरों में अप्लायंसेज में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है दे आर मेलेबल बिकॉज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। अगर मेटल्स की बात करो, आप मेटल को हथौड़े से मारते जाओ वो टूटेगा नहीं, वो पतला होकर शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मेटल्स को अगर आप बहुत ज्यादा पावर के साथ प्रेस करो, कंप्रेस करो, प्रेशराइज करो, तो पतली सी शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी बता रहे हो कि क्या है, मेलेबल है, अलग अलग शेप में मोल्ड हो जाते हैं, इनकी एक पतली शीट बनाई जाती है, कैसे हैं, मेलेबल है। नेक्स्ट आपको बोला है दे आर सोनोरस, यानी कि कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये सोनोरस का मतलब क्या होता है, रिंग, यानी जो बेल्स होती है मंदिर में, जो बेल्स होती हैं उनमें से आप एक साउंड देखते हो, साउंड सुनते हो, तो साउंड क्या सा है, क्योंकि वो मेटल से बने हुए हैं, यानी मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम नॉन मेटल की बात करते हैं, तो पहले क्या लिखा है, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, जो मेटल्स है मेटल्स में ज्यादा कलर नहीं दिखेगा आपको, आपको ब्राउन कलर दिखेगा, येलो कलर दिखेगा, ग्रे कलर दिखेगा, बस ऐसे ही कुछ तीन चार कलर दिखेंगे। बट नॉन मेटल में आपको वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी बहुत टाइप के कलर्स दिखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोले आपको, नॉन मेटल आप देख लो ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, आप कोई और चीज की बात करो, कोई व्हाइट कलर की, कोई रेड कलर की, अलग अलग कलर, आप ज्यादातर प्लास्टिक की चीजें अलग अलग कलर में फॉर्म हो सकती है, उनमें कलर मिलाया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं अलग अलग कलर हमको दिखते हैं, जबकि मेटल्स केस में ऐसा नहीं होता, तो कुछ चुनिंदा कलर्स हमारे पास। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमको पता है कि नॉन मेटल्स में से करंट पास नहीं होता, तभी हम वायर के ऊपर रबड़ की लेयर चढ़ाते हैं, क्योंकि रबड़ की या प्लास्टिक की लेयर चढ़ाने का मतलब क्या है कि उनमें से करंट पास नहीं होगा, तो हमको शॉक नहीं लगेगा, राइट? तो हम कह सकते हैं, और ये हीट को भी कंडक्ट नहीं करते, प्लास्टिक को रख दो गैस के ऊपर पिघल जाएगा वो, तो हीट को कंडक्ट नहीं करते, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल से हीट को भी कंडक्ट नहीं करते और लाइट को भी इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं होने देते, यानी करंट को भी पास नहीं होने देते। नेक्स्ट क्या बोला है, दे आर नॉट लस्टरस, सोनोरस और मेलेबल, ना ही ये शाइन करते हैं, ना ही ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ना ही ये मेलेबल होते हैं, यानी कि इनको आप मार मार के प्रति शूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चौक दे दूँ आपको, चौक क्या है, एक नॉन मेटल है, चौक को मारो टूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, इसलिए ऐसे में क्या बोला था कि ये मेलेबल तो नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, तो ये ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल ज़्यादातर कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल का मतलब इनको मारोगे टूट जाएंगे, ऐसे स्ट्रॉन्ग होने का ट्राई करेंगे बट ब्रिटल होते हैं, कुछ भी हथौड़ा वथौड़ा मारो तो टूट जाएंगे, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। और नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल दिए आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये आपकी कुछ एग्जाम्पल है। मेटल्स की किस्म आपको याद रखना है कि मर्क्यूरी इकलौता ऐसा मेटल है बच्चों जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन जो है ये इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। दो ही ऐसे हैं, मेटल्स में लिक्विड फॉर्म में कौन मिलेगा आपको, मर्क्यूरी, और नॉन मेटल में कौन मिलेगा, ब्रोमीन, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ज़्यादातर आपके मेटल्स सॉलिड होते हैं और नॉन मेटल आपके ज़्यादातर गैसेस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर से आपको कुछ देखोगे तो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपके लिए लेके आऊँ जो हम करेंगे यहाँ पे। और न्यूमेरिकल्स से पहले बच्चों एक क्वेश्चन आपका रह गया, तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, वो थोड़ा सा, चलो ये एक क्वेश्चन आपका रह गया, इसको भी हम कवर कर लेते हैं।
देखो क्या बोले आपको, डिफाइन केमिकल रिएक्शन की ये भी आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इस चीज को आप याद रखना, क्योंकि ये आपको 10th में भी हेल्प करेगा कि केमिकल रिएक्शन का, पहला चैप्टर 10th का आपका केमिकल रिएक्शन ग्रो करा है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या लिखा हुआ है देखो, केमिकल चेंज चेंजेस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट अ न्यू सब्सटेंस। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज एक ऐसा टाइप का चेंज है जो केमिकल किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को पूरी तरह से चेंज कर देता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले आपको दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की पहले प्रॉपर्टी आग लगाने की थी, जब वो वाटर बन गई थी प्रॉपर्टी आपको बुझाने को भी, यानी वहां पर जो रिएक्शन हुई उसने इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपके पास हाइड्रोजन था, इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ये गैस फॉर्म में था, ऑक्सीजन भी आपका गैस फॉर्म में था, इनका रिएक्शन होने पे आपको जो मिला वो क्या मिला, वाटर मिला, जो किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है बच्चों, ठीक है। ये एक एग्जांपल लिख सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो आपके पास सोडियम मेटल है, इसको आप क्लोरीन गैस के साथ अगर प्रोड्यूस करोगे, रिएक्ट कराओगे, तो आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा, वो है आपका NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हो गए केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स की। देखो बच्चों सबसे पहले मैं लगा आपको यहाँ पर देखो तो क्या लिखा है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज, यानी यहाँ पे मास के परसेंटेज में आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ठीक है। तीन फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तीन से ज्यादा नहीं, यहाँ पे बोला मास परसेंटेज यानी मास बाय मास की बात होगी, जिसमें आपको क्या बोला है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 40 ग्राम सॉल्ट है और डिजोल्व किया गया इसको 200 ml वाटर में। अब देखो बच्चों दो चीजें आपको होती है कि सॉल्ट जो 40 ग्राम है, सॉल्ट आपका क्या है सॉल्यूट जो मिलेगा वो कितना है 40 ग्राम, और जो आपका सॉल्यूशन है वो कितने का है 200 ml वाटर का, है ना, यही बोले। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर। 200 ml पानी में क्या किया गया है, 40 ग्राम सॉल्ट मिलाया गया, तो 200 ml पानी यहाँ पे किसकी तरह वर्क करेगा, एक सॉल्वेंट की तरह, और इन दोनों से मिला के आपको क्या बनाना है, एक सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले आपका काम होगा, आपको निकालना होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला दो, तो सॉल्यूट कितना है आपका 40 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 200 ml, बट हमको 2 ग्राम में चाहिए। तो बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर जो आपका वाटर का ml में वैल्यू होती है और जो ग्राम में वैल्यू, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। 1000 ml वाटर या कोई लिक्विड अप्रॉक्स 980-990 के आसपास होता है, बहुत कम डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पर हम एजम्पशन लेंगे कि 1 ml ऑफ वाटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1 ग्राम ऑफ वाटर के, यानी कि 200 ml वाटर में कितना वजन होगा, 200 ग्राम का वजन होगा। तो यहाँ पे आप कह लो के साथ में 200 को ग्राम में प्लस कर लो, तो आपका सोल्यूशन का वेट कितना आ गया 240 ग्राम, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी कि सोल्यूशन कितने का आ गया आपका 240 ग्राम का। तो फॉर्मूला लगा दो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट आपका था 40, सॉल्यूशन का कितना है 240, परसेंटेज में वैल्यू निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 0 से 0 आपका कट गया, 4 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा आपका 6 टाइम में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 100 डिवाइड बाई 6, आप 100 को 6 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 6 1 6, यहाँ पे 4 आया 0, आप यहाँ पे 6 6 36, फिर 4 आएगा 16.67%, ये आपका क्या आ गया है सॉल्ट का परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास फॉर्मूले के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम। अब ये आपको याद रखना है मास बाय वॉल्यूम बोला है कि एक वैल्यू मास में चाहिए, दूसरी वैल्यू वॉल्यूम में, तो जो सॉल्यूट होगा वो मास में चाहिए, सॉल्यूशन हमेशा किसमें चाहिए वॉल्यूम में चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन 75 ml पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, ये आपका क्या है सॉल्यूट है ना, ये आपका क्या दिया हुआ है आपको सॉल्यूट दिया है, और बोला 75 ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये पहले से क्या दे दिया सॉल्यूशन दे दिया है, सॉल्वेंट नहीं दिया, यानी डायरेक्ट वैल्यू उठाकर पुट करनी है बस और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला आपके सामने है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 3 ग्राम, तो ऊपर 3 रख दो, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 75, तो नीचे 75 रख दो, मल्टीप्लाई में कर दो 100, 25 कट में ये आएगा 3 टाइम में, ये आएगा 4 टाइम में, 3 से 3 भी आपका कट गया तो क्या बचा 4%, तो आपका जो आंसर है वो कितना है 4%, सो परसेंटेज कितना होगा 4% होगा, क्लियर हो गया यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, आखिरी आपका न्यूमेरिकल, इसमें क्या बोला आपको, डिटरमाइन द वैल्यू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इस बार जो सॉल्यूट है वो भी वॉल्यूम में, जो सॉल्यूशन है वो भी वॉल्यूम में, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ एथेनॉल
यानी यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है, 25 ml ऑफ एथेनॉल विथ इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। इतना पानी, इनफ पानी, 25 ml एथेनॉल है तो मतलब 175 ml क्या लगा होगा आपका, पानी लगा होगा, दोनों को मिलाकर आपने 200 ml का बनाया था, सॉल्यूशन बना दिया। तो यहाँ पर भी आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों दिया हुआ है। तो सॉल्यूट कितना है आपका 25 ml, सॉल्यूशन कितने का है आपका 200 ml का, मल्टीप्लाई कितने से करना है 100 से काटोगे 2 आ जाएगा, 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे बच्चों क्या आ जाएगा 12.5%। इन तीन टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, ठीक है। इनके और भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, या गूगल से भी आप निकाल के कर सकते हो। मेन आपके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ो। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको अगर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर भी आपको बोला था कि इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वर्ड अगर लास्ट में लिख के आ रहा है ना, लास्ट में लिख के आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे सॉल्यूशन की वैल्यू दी है। जबकि आप 10th वाला क्वेश्चन देखो, है ना, 10th वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो वहाँ पे क्या दिया आपको, सॉल्यूशन पहले दिया हुआ था और बोला कि 40 ग्राम सॉल्ट को 200 ml वाटर में मिला रहे हो, वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखा, 200 ml का सॉल्यूशन नहीं लिखा, 200 ml वाटर लिखा। तो यहाँ से आपको पता चला 200 ml जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और 40 ग्राम क्या आपका सॉल्यूट है। तो ये एक माइनूट सी चीज़ है, बारीक सी चीज़ है, आपको याद रखनी है कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, ये तीन चीज़ की वैल्यू अगर आपने साइड में निकाल ली ना क्वेश्चन से, फिर इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर इनके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।